प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा, रखेंगे अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिए रोपवे की नींव, वन वर्ल्ड टीवी समिट को करेंगे संबोधित। राहुल गांधी की सजा पर आज कांग्रेस का दिल्ली में संसद भवन से विजय चौक तक मार्च, राष्ट्रपति से मुलाकात करेगी कांग्रेस, सोमवार को बड़े आंदोलन की तैयारी में। संसद में आज फाइनेंस बिल होगा पारित, सूत्रों के मुताबिक हंगामा होने के हालात में भी लोकसभा में पारित कराया जाएगा बिल, अगले हफ्ते राज्यसभा में भी होगा पास। आज कर्नाटक दौरे पर जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, आने वाले चुनाव को लेकर करेंगे मीटिंग। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आखिरी बार देखा गया अमृतपाल सिंह, नया सीसीटीवी आया सामने, एक के बाद एक कई गाड़ियां इसने बदली, उत्तराखंड में होने की अब आशंका। अमृतपाल को लेकर के प्रशासन का एक्शन, हरियाणा से हिरासत में ली गई महिला से पूछताछ जारी। अतीक की पत्नी शाइस्ता के साथ नजर आया इनामी शूटर अरमान, उमेश पाल हत्याकांड में अरमान पर है 5 लाख का इनाम। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई, दोपहर 2 बजे राउंड रेवेन्यू कोर्ट में होंगे पेश। वॉशिंगटन डीसी के नेशनल प्रेस क्लब में कश्मीर के बदलाव पर चर्चा को पाकिस्तानियों ने बाधित किया, चर्चा में हंगामा भी किया। और चलिए अब आपको दिखाते हैं राजनीति की टॉप 9 बड़ी खबरें। योगी सरकार का 1 साल पूरा, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम योगी रखेंगे अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड, बताएंगे सभी कामयाबी। राहुल गांधी की सजा को लेकर कांग्रेस ने बुलाई विपक्षी सांसदों की बैठक, सुबह 10 बजे होगी मीटिंग, सभी विपक्षी सांसद विजय चौक पर चलकर करेंगे प्रदर्शन। पीएम मोदी पर मानहानि का केस करेगी कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी, ट्वीट कर कहा मुझे पीएम मोदी ने कहा था सुपनखा। ईवीएम पर विपक्ष ने फिर उठाए सवाल, विपक्षी पार्टियां करेंगी चुनाव आयोग से शिकायत। शरद पवार के घर विपक्षी नेताओं की हुई बैठक, कपिल सिब्बल बोले ईवीएम पर दूर किया जाए भ्रम। ईवीएम पर दिग्विजय सिंह का बयान, कहा इलेक्शन कमीशन ने माना ये दूसरे सॉफ्टवेयर से हो सकती है ऑपरेट, पवार ने कहा हैकिंग भी संभव। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला का बीजेपी पर हमला, कहा भगवान राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं सभी के हैं, कुछ लोगों को सिर्फ हुकूमत से मोहब्बत। मंत्री संजय निषाद का स्वामी प्रसाद मौर्य पर तंज, स्वामी प्रसाद मौर्य को बताया धर्म विरोधी, कहा रामचरितमानस निषादों का दिल। यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद का बड़ा बयान, कहा रामायण नहीं तो क्या कुरान और बाइबल का पाठ कराएं। तो राजनीति की खबरों के बाद अब आपको दिखाते हैं राज्यों की टॉप 9 बड़ी खबरें। अतीक अहमद के करीबियों पर प्रशासन का शिकंजा, 300 बिघे के अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। माफिया अतीक की मदद करने वाले 8 पुलिस वालों पर एक्शन, पुलिस वालों का किया गया ट्रांसफर। दिल्ली में नाबालिग छात्रा से दरिंदगी, एमसीडी स्कूल के चपरासी ने 3 साथियों के साथ मिलकर गैंगरेप किया, चपरासी गिरफ्तार, फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। गोधरा कांड मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आरोपियों की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, गुजरात सरकार ने किया विरोध। दिल्ली दंगों के दौरान आईपी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में कोर्ट का एक्शन, ताहिर हुसैन समेत 10 लोगों के खिलाफ आरोप तय। आगरा में अचानक घर में लगी भयंकर आग, लाखों का सामान जलकर के राख हुआ, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। कश्मीर के गुलमर्ग में हल्की बारिश के साथ हुई भारी बर्फबारी, तापमान में आई गिरावट। तमिलनाडु के मदुरै में भी भारी बारिश हुई है, बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना। श्रृंखला टनल वाहनों के लिए खोला गया है, बीआरओ के अधिकारी ने झंडा दिखाकर के वाहनों को रवाना किया, भारी बर्फबारी के चलते बंद हुआ था ये टनल। 9 की न्यूज में आगे बढ़ते हुए राज्यों की खबरों के बाद अब आपको दिखाते हैं क्राइम और हादसे से जुड़ी टॉप 9 बड़ी खबरें। अरवल में अवैध शराब की भारी खेप बरामद हुई, हरियाणा से लाई जा रही थी 175 कार्टन शराब, 2 तस्कर गिरफ्तार। पलवल में पुलिस ने जब्त किए 4 करोड़ ड्रग्स, 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। गुरुग्राम में ट्रांसफॉर्मर में अचानक हुआ जोरदार धमाका, ब्लास्ट के बाद ट्रांसफॉर्मर में आग लगी, आग पर काबू पाया गया। लखनऊ में दबंगों ने खुलेआम व्यापारियों को पीटा, सामान वापस ना करने को लेकर हुआ था विवाद, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मैनपुरी में बीच चौराहे पर बदमाशों ने युवक के साथ मारपीट की, गुस्साए लोगों ने बदमाशों की कार में ही तोड़फोड़ कर दी।
दिल्ली के वसंत विहार में ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 6 आरोपी गिरफ्तार। धनबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के साथ ही क्रैश हुआ ग्लाइडर, अनियंत्रित होकर घर पर गिरा, 2 लोग घायल। चंपावत में एक वाहन ने कई श्रद्धालुओं को रौंदा, 5 श्रद्धालुओं की मौत, 8 घायल, सीएम धामी ने जताया शोक। कौशाम्बी में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत, जांच में जुटी पुलिस। और अब आपको दिखाते हैं विदेश की वो बड़ी खबरें जो सुर्खियों में बनी हुई है। टॉप 9 बड़ी खबरें देखिए। स्पेन के जंगलों में आग का तांडव, आसमान में छाया काले धुएं का गुबार, कई हेक्टेयर जंगल जलकर राख। फ्रांस में पेंशन सुधार को लेकर तेज हुए विरोध, सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारी, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। इजराइल में न्यायिक सुधार के खिलाफ हिंसक प्रोटेस्ट, विरोध में छात्रों ने किया सड़क जाम, पुलिस के साथ की धक्का मुक्की। रूस ने यूक्रेन के बखमुत में ड्रोन से मचाई तबाही, चारों तरफ दिखी बर्बादी की तस्वीरें, यूक्रेन ने जारी किया वीडियो। बखमुत में और तेज हुए हमले, ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले कर रहा है रूस, यूक्रेनियन बोले और हथियारों की जरूरत। रूस से जंग में यूक्रेन को मिली और मदद, स्लोवाकिया ने 4 MiG-29 जेट यूक्रेन को सौंपा। नॉर्वे ने यूक्रेन को दिया 8 टैंक, रूस के खिलाफ युद्ध में होगा इस्तेमाल। बुल्गारिया से यूक्रेन को बड़ा झटका, राष्ट्रपति रुमेन रादेव ने यूक्रेन को हथियार देने से किया इनकार। न्यूयॉर्क में युवक ने की सुसाइड की कोशिश, FBI ने जान पर खेलकर बचाया, समझाने के बाद किया गिरफ्तार। और चलिए विदेश की खबरों के बाद अब आपको बताते हैं खेल जगत की सुर्खियां, टॉप 9 बड़ी खबरें। विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत का जलवा, निखत नीतू ने फाइनल में जगह बनाई। वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत को मिल सकते हैं 4 गोल्ड, लवलीना और स्वीटी बूरा ने भी फाइनल में बनाई जगह। पाकिस्तान में ही हो सकता है एशिया कप का आयोजन, किसी और देश में होंगे भारत के मैच। सूर्य कुमार यादव के जरिए शशि थरूर ने साधा भारतीय टीम पर निशाना, पूछा कब मिलेगा संजू सैमसन को मौका। वुमेन्स प्रीमियर लीग में आज मुंबई इंडियंस और यूपी वॉरियर्स के बीच प्लेऑफ मुकाबला, जीतने वाली टीम दिल्ली कैपिटल्स के साथ खेलेगी फाइनल मैच। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज हारने के बाद सुनील गावस्कर का बयान, कहा भारत को नहीं भूलनी चाहिए यह हार, वर्ल्ड कप में भी हो सकता है सामना। IPL के नियमों में हुआ बदलाव, अब टॉस के बाद भी बदली जा सकेगी टीम। इस साल जुलाई में खेला जाएगा मेजर लीग क्रिकेट का पहला सीजन, टेक्सास में खेला जाएगा मेजर लीग क्रिकेट, कुल 6 टीमें हिस्सा लेंगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पहला T20 आज UAE में खेला जाएगा मैच। खेल की खबरों के बाद अब आपको दिखाते हैं एंटरटेनमेंट की खबरें, देखिए टॉप 9 बड़ी खबरें। विराट और अनुष्का की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल, दोनों की जोड़ी ने अवार्ड समारोह में जीती महफिल। साउथ एक्टर सूर्या ने मुंबई में खरीदा आलिशान अपार्टमेंट, 70 करोड़ बताई जा रही कीमत। रमजान के महीने में पिता बने सिंगर आतिफ असलम, पत्नी ने बेटे को दिया जन्म, तस्वीरें साझा की। कन्नड़ एक्टर चेतन कुमार को मिली जमानत, आपत्तिजनक ट्वीट मामले में हुए थे अरेस्ट। सुपरस्टार नानी ने मुंबई में लॉन्च किया फिल्म दशहरा का गाना धूमधाम, 30 मार्च को रिलीज होगी फिल्म। माहिरा खान को शाहरुख की तारीफ करना भारी पड़ गया, पाकिस्तानी सीनेटर बोले एक्ट्रेस की मेंटल हेल्थ खराब। सीरियल कुंडली भाग्य में इंडियन क्रिकेटर शिखर धवन ने ली धांसू एंट्री, लुक देख फैंस भी हुए हैरान। वरुण धवन और जानवी कपूर की फिल्म बवाल की रिलीज डेट आई सामने, 6 अक्टूबर को फिल्म होगी रिलीज। फिल्म पुष्पा 2 का टीजर 8 अप्रैल को अल्लू अर्जुन के जन्मदिन वाले दिन होगा जारी, मेकर्स ने किया खुलासा। Z News.